इस धरती पर छोटे से लेकर दुनिया के सबसे बड़े पक्षी पाए जाते हैं जो इस प्रकृति को संतुलित बनाए रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े पक्षी कौन हैं? ज़्यादातर बड़े पक्षी अपने भारी भरकम वजन के कारण नहीं उड़ पाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे बड़े पक्षी हैं जो उड़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे बड़े पक्षी के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ऑस्ट्रिचेस। ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है और यह 9 फीट तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 300 पाउंड तक हो सकता है। अफ्रीका और मध्य पूर्व के मूल निवासी ऑस्ट्रिच अपनी लंबी गर्दन, शक्तिशाली पैर और अचूक काले और सफेद पंखों वाला एक प्रतिष्ठित प्राणी है। ये खासकर अफ्रीका में पाए जाते हैं और किसी भी जीवित जमीनी जानवर के सबसे बड़े अंडे देते हैं। ऑस्ट्रिच आमतौर पर पौधे, जड़े और बीजों को खाते हैं, लेकिन कभी कभी कीड़े, छिपकली या अन्य जीवों को भी खाते हैं। ये ज्यादातर 10 से 50 पक्षियों के ग्रुप में रहते हैं। एमूस। एमूस शुतुरमुर्ग के बाद दूसरा सबसे लंबा जीवित पक्षी है जो आमतौर पर 153 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका वजन 33 केजी तक होता है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और वहाँ का सबसे बड़ा देसी पक्षी है। मादा ईमू आमतौर पर नर की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। ईमू जरूरत पड़ने पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इनके पास केवल 3 पैर की उंगलियाँ हैं और हड्डियों को और पैर की मांसपेशियों की एक छोटी संख्या है। ये विभिन्न प्रकार के पौधों और कीड़ों को खाते हैं और भोजन के बिना हफ्तों तक रह सकते हैं। साथ ही एमूस दुनिया के 10 सबसे बड़े पक्षियों में से एक है। कैसोबेरी। इनकी 3 प्रजातियां हैं। सबसे आम दक्षिणी कैसोबेरी है जो दुनिया में दूसरे सबसे भारी और तीसरे सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले पक्षी है। इसके अलावा इनका सामान्य वजन 40 किलो होता है और सामान्य लंबाई 146 सेंटीमीटर होती है। कैसोबेरी आमतौर पर इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कैसोबेरीज फल खाना पसंद करते हैं, लेकिन छोटे कशेरुकीय, अकशेरुकीय कवक, कैरियन और पौधों को भी खाते हैं। वे अपने आहार में पौधों की 200 से अधिक प्रजातियों को खाते हैं। पेंगुइन्स। एम्परर पेंगुइन्स दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पक्षी है और यह सभी जीवित पेंगुइन प्रजातियों में सबसे लंबा और सबसे भारी पक्षी है और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। यह लंबाई में 100 सेंटीमीटर तक पहुंचते हैं और इनका वजन 22 से 46 किलोग्राम तक होता है। इसके अलावा पेंगुइन मुख्य रूप से मछली, स्क्विड और क्रिल खाते हैं। भोजन की तलाश में कई किलोमीटर यात्रा भी करते हैं। शिकार करते समय ये लगभग 20 मिनट तक पानी में रह सकते हैं और 535 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकते हैं। रियास। ग्रेटर रियास दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं और ये मुख्य रूप से अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे में पाए जाते हैं। इसके अलावा रियास दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े पक्षी हैं और दुनिया में 5वें सबसे बड़े पक्षी हैं। इनका औसत वजन 23 किलो और लंबाई 134 सेंटीमीटर होती है। ये कीड़े, छिपकली और छोटे पक्षियों को खाते हैं। टर्की। जंगली टर्की मेलिएग्रिस गैलोपावो दुनिया के सबसे बड़े पक्षियों में से एक है। इनका औसतन वजन 13.5 किलो और लंबाई 124 सेंटीमीटर होती है। यह खासकर अमेरिका में पाए जाते हैं। इसके अलावा बड़े जंगली टर्की के लंबे लाल, पीले और भूरे हरे पैर होते हैं। इनके पंख आमतौर पर काले और गहरे रंग के होते हैं। इसके अतिरिक्त नर टर्की के पास एक लंबी गहरी पंख के आकार की पूंछ और चमकदार कांस्य पंख होते हैं। टर्की मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के बीज, जामुन, जूनिपर और अन्य कठोर मैस्टिक खाते हैं। इसके अलावा ये कभी कभी छोटे सरीसृपों जैसे सैलामेंडर, छिपकलियां, छोटे सांपों और मुर्गी को भी खा लेते हैं। स्वांस। म्यूट हंस साइग्रस ओलोर दुनिया का सबसे भारी जल पक्षी है
जिसका औसत वजन 11.87 किलोग्राम है। इसकी औसत लंबाई 125 से 170 सेंटीमीटर होती है। इसका नाम म्यूट हंस की अन्य प्रजातियों की तुलना में कम मुखर होने से निकला है। इसके अलावा ये बड़ा हंस एक काली चोंच के साथ पूरी तरह से सफेद होते हैं, जिससे इसे स्पष्ट घुंडी से पहचाना जा सकता है। अधिकांश म्यूट हंस यूरो साइबेरिया के मूल निवासी हैं और उत्तरी अमेरिका में एक प्रचलित प्रजाति है। यह मुख्य रूप से जलीय वनस्पतियों, मोलास्क, छोटी मछलियों, मेंढकों और कीड़ों को खाते हैं। साथ ही म्यूट हंस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है और सातवां सबसे बड़ा पक्षी है। बस्टर्ड्स, यह एक अफ्रीका का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। इसके अलावा नर कोरी बस्टर्ड्स की लंबाई 105 से 128 सेंटीमीटर और पंखों की लंबाई 230 से 275 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन आमतौर पर 7 से 20 किलो तक हो सकता है। कोरी बस्टर्ड्स सर्वहारी होते हैं। हालांकि वे बस्टर्ड्स की अन्य प्रजातियों की तुलना में अधिक मांसाहारी होते हैं। ये मुख्य रूप से कीड़े, चूजे, छोटे स्तनपाई छिपकली, सांप, बीज खाते हैं। इसके अलावा कोरी बस्टर्ड्स रंगीन होते हैं, ज्यादातर भूरे और भूरे रंग के होते हैं, जिनमें काले और सफेद धारियां ठीक पैटर्न के साथ होती है। अल्बाट्रोस, इसके पास किसी भी पक्षी से सबसे बड़ा पंख है, जो 11 फीट से अधिक चौड़ा होता है। इनका वजन औसतन 12 किलो होता है और ये सिर से लेकर पूंछ तक लगभग 3.5 फीट के होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह प्रजाति हर साल 3 बार दक्षिणी महासागर की परिक्रमा करने के लिए जानी जाती है। भटकते हुए अल्बाट्रोस एक वर्ष में 120,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हैं। इसके अलावा अल्बाट्रोस मछली और स्क्विड खाते हैं और कभी कभी मछली पकड़ने वाली नौकाओं द्वारा छोड़े गए मछलियों के कचरे को भी खाते हैं। पेलिकन्स, डालमेटियन पेलिकन्स, पेलिकन क्रिप्सन्स दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक हैं। ये यूरोप और दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं। डालमेटियन पेलिकन मुख्य रूप से झीलों, नदियों, डेल्टाओं में पाए जाते हैं। इनका औसत वजन 11.5 किलो और लंबाई 183 सेंटीमीटर होती है। अन्य पेलिकन की तरह नर मादाओं से बड़े होते हैं और उनके आहार में मुख्य रूप से मछली होती है। ये कैटफिश, ईल और यूरोपीय पर्च सहित प्रतिदिन 2 किलो तक मछली खाते हैं। साथ ही ये पक्षी सभी पेलिकन प्रजातियों में सबसे बड़ा और सबसे बड़ी जीवित उड़ने वाली पक्षी प्रजातियों में से एक है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।